ना यहाँ से लोग, ना यहाँ से नेटवर्क है, ना यहाँ से बस्ती है, यहाँ से कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वो सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ से कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। और मसला हो गया अब मुझे लाइट का, हट में लाइट नहीं है, खाने का बंदोबस्त कुछ भी नहीं, आज भूखा ही सोना है हमें। मुझे लग रहा है आज रात को मैं गाड़ी में ही सो जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कश्मीर। आज हमें जाना है यूस्मग। इससे पहले मैंने आप सबको बोला था यूस्मग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सुबह सुबह मौसम अच्छा है, धूप निकल के आ रही है। फिलहाल हम अपना सामान पैक करेंगे, हमें जनरेटर साथ लेना है, हमें टेंट साथ लेना है, बहुत चीज़ें साथ लेनी है क्योंकि हमें उस एरिया में जाना है। पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कैसे क्या होगा, इसलिए हम अपने साइड से फुल अरेंजमेंट करके रखेंगे। क्या कुछ रहेगा, बहुत मज़ा आएगा। दिल थाम के बैठिए पूरा व्लॉग देखने के बाद। आपका कमेंट मेरे को जरूरी है और सब्सक्राइब से दिल खुश हो जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स गो। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। खाली में रास्ते में खाने के लिए चीज़ें लेनी है, चावल वगैरह, वो हम रास्ते में उठाएंगे। चलो भाई लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह या अल्लाह रहम फजल करम। बिस्मिल्लाह, अभी अपना सफ़र यहाँ से हम शुरू करते हैं। आई होप आज रात को ना बर्फ़ हो जाए उस एरिया में, मज़ा आ जाएगा फिर हमें। तो अभी 1:30 बज गए और हम अपने सफ़र की ओर चल रहे हैं कंटिन्यूसली। कश्मीर है भाई। अस्सलाम वालेकुम चाचा, तुम छो ठीक? यूस्मग कप यथ क्या नाव ये इलाकस कमरजपुरा ये पे गो पखरपुरा तम पे यूस्मग। शुक्रिया। अभी इसके बाद हमें पखरपुरा आएगा, उसके बाद यूस्मग। छोटे यूस्मग कहाँ से? यूस्मग छोटू अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो भाई। भाई खूबसूरती देखो आप, भाई एरिया चेक करो आप। मैं तो यूस्मग बहुत पहले आया था स्कूल के साथ, शायद मैं तब 6th-7th क्लास में पढ़ता था जब मैं आया था इधर, तब तो मुझे नहीं लग रहा ये रोड भी हुआ होगा। What a beautiful place भाई। अभी इससे ऊपर हमें जाना है, आई डोंट नो कितने किलोमीटर्स ऊपर चलना है। पहले हम यहाँ पे सामान लेंगे खाने के लिए, बाद में अगर नहीं मिलेगा ना तो मुश्किल होगा। यहाँ पे थोड़े से नेटवर्क है इसलिए यहीं पे हम अपनी चीज़ें लेंगे। मिल्क पैकेट 4 ये 10। इस एरिया का नाम है नागबल और यहाँ पे हमने सामान ले लिया लेकिन सब्जी हमें नहीं मिली, वो हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ से यूस्मग तक 4 किलोमीटर्स हैं एंड लेट्स गो बड़ी, आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। देखो भाई लोग, हम ये सामान जो है ना ये हम पीछे ही ले लेते हैं घर से ही, लेकिन मैंने सोचा यहाँ की जो शॉप्स हैं ना इनका काम आजकल बहुत कम है, तो बेहतर रहेगा कि ये सामान अगर 200, 400, 500 जितने में भी आएगा ये हम इसी एरिया में लेंगे। अच्छा लगता है मुझे ऐसे शॉप से खरीदारी करना। यहाँ से अब आप खूबसूरत से नज़ारे देखोगे। यूस्मग डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या किया है यहाँ पे जो आप 50 रुपए ले रहे हैं? ना नेटवर्क है, नेटवर्क हो रहा है अभी, ना कुछ टावर बन गया, ना यहाँ से डेवलपमेंट हो रही है, ना यहाँ पे ATM है, कुछ 50 रुपए किस चीज का आप लोग ले रहे हैं भाई? और ये जो यहाँ पे 50 रुपए लेते हैं ना, इस रिसिप पे ना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, ना ईमेल लिखी है, ना कुछ। अगर मुझे कुछ यहाँ पे ज़रूरत है, कुछ हो गया, मैंने पार्क गाड़ी रखी, वहाँ पे कुछ इशू आ गया तो मैं किसको कॉन्टैक्ट करूँ भाई? ना इस पे स्टैम्प है, ना इस पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ना इस पे मेल है, कुछ भी नहीं है। और ये 50 रुपये लेने से पहले वो काम करूँ जो ज़रूरी है और ये 50 रुपये तब वसूल होंगे। नहीं होता ऐसे, नेटवर्क नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है,
कुछ भी नहीं है इधर, जो है वो अल्लाह की तरफ से है, और हमें जो करना था, हमें जो बनाना था इस जगह को, हमने तो बनाया नहीं। फाइनली हम एंटर हो गए यूसमार्ग में, खूबसूरत से नजारे में। आप चेक करो गाइस कितना अच्छा नजारा है। कुछ बनाएंगे हम और उसके बाद हम ठिकाना देखेंगे रहने का, हम कैंप करें या रूम में रहेंगे। अगर रूम मिला यहाँ पे विल सी, रूम मिलना यहाँ पे मुश्किल है बट कोशिश करेंगे। बिल्कुल शांत एरिया है ये, क्या नज़ारे हैं इधर से, दूर से नज़र पड़ती है और वो भी पड़ती है सामने बिल्कुल मस्जिद शरीफ। भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ना, मड हाउस, जो कि गर्मियों में ज़रूरत पड़ता है जिनके पास भेड़ बकरी होते हैं, आज तो वो यहाँ पे रहते हैं नहीं, अभी कुछ टाइम तक हमारा इलाका है। बर्तन यहाँ पे साफ करने का कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बर्फ ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ ऐसे।
ऐसा माहौल आपको कहाँ पे मिलेगा, चेक कर लो। आज रात मैं यहीं पे बिताता, जनरेटर वगैरह सब कुछ तो साथ है, बट पहले हम गाड़ी मोड़ के परमिशन का सीन जो है वो क्लियर करेंगे। अगर हम आराम से यहाँ पे परमिशन वगैरह नहीं लेना था किसी से, तो फिर हम आराम से रात को यहाँ पे रहेंगे, इस नज़ारे में बड़ा अच्छा लगेगा। चलो पहले सामान गाड़ी में भरते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सकते हैं तो अलग हाँ। दिन में तो रह सकते हैं, दिन में रात को इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेने पड़ता है आर्मी से, इन्हीं से। हाँ इन्हीं से, पर आर्मी से परमिशन लेंगे, बाद में देखेंगे। दर्शित खान ठीक, जिला प्रधान जिला अक्टूबल बना था ठीक, टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट में ठीक। चलो आज हमारा स्टे जो है यहीं पर है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखें। चलो भाई लोग, रात को हम ना यहाँ पर स्टे करेंगे आज, और खाना वगैरह हमें ख़ुद बनाना पड़ेगा, सिक्योरिटी रीज़न है। हमारी बात हुई है बट पूरी बात नहीं हो पाई क्योंकि इनके ऑफिसर अभी बाहर हैं, उनसे मैं बाद में बात करूंगा। अगर आज रात को नहीं हुआ कैंपिंग इधर तो कल तो फिर पक्का हो जाएगा, अगर इन्होंने परमिशन दिया। मैं चाहूंगा कि वहाँ पे बीचों बीच ना मैं कैंप अपना लगाऊँ, बड़ा मज़ा आएगा। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं टूरिज़्म के, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने ये अरेंजमेंट करके दिया। अभी उन्होंने कहा कि ठंडा पानी है, मैंने बोला वो मैं मैनेज करूंगा, ठंडा पानी, खाना भी मैं खुद बनाऊंगा, खाली मुझे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट दो, अगर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं चलेगा, मैं मैनेज करूंगा, क्योंकि इस जगह को मुझे एक्सप्लोर करना ही करना है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन इस जगह को ना हमने बहुत नज़रअंदाज किया है। पहले अपना सामान रखते हैं हम रूम में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और रूम हमारा कुछ इस तरह है, छोटा मोटा रूम है, बड़ा अच्छा है, रूम को फिट करना ज़रूरी है, उसके बाद हम आराम से रहेंगे। कभी कभी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, आई डोंट नो अगर इलेक्ट्रिसिटी रात को चले गई ना मेरा क्या हाल होगा। इधर इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगा के रखी है, आई डोंट नो ये गर्म हो रही है कि नहीं, हो जाएगी अभी, गर्म नहीं हुई ना, पता नहीं क्या हो जाएगा रात। शाबाश, अभी हमारा हुलिया भी चेंज, क्योंकि वो जो लुक वाला जैकेट होता है ना वो दिन को चलता है, शाम को ठंड बढ़ेगी और इसलिए मैंने ये वाला जैकेट लगाया। इसलिए सीन ऐसा है कि इस प्रॉपर्टी में हमें अकेले रहना है और ये हमारा नज़ारा रहेगा रात भर, हम सिर्फ अकेले हैं इधर। खाना वगैरह जो है ना वो मैं यहीं पर बनाऊँगा बाहर खुद, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर होटल्स नहीं है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स नहीं है, करेगा क्या इंसान। इसलिए मेरा मकसद यहाँ आने का यही है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाए, फैसिलिटीज़ मिलें टूरिस्ट्स को जो यहाँ पे रहेंगे। और हमारा बीस्ट जो है वो रात भर इधर ही रहेगा, हम इधर रहेंगे, बीस्ट पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सेफ़ है बट फिर भी
हमारे बेस्ट की आज की हालत बहुत गंदा होके रखा है, सुबह इसकी वॉशिंग भी कराएंगे कहीं पे। ये और एक पार्क है इधर, इधर तो कोई नहीं है बट खूबसूरती है। और नेटवर्क यहाँ पे थोड़े से आते हैं, फिलहाल हम नेटवर्क रेंज में आके घर वगैरह फ़ोन करेंगे। इधर हमें अकेले रहना है आज रात भर, और लाइट भी चली गई है, ये तो बड़ा मसला हो गया। अभी ऐसा समझिए मैं दुनिया के दस्तूर से 50 साल दूर हूँ, अभी बिल्कुल यहाँ कोई भी नहीं है। और मसला हो गया अब मुझे लाइट का, हट में लाइट नहीं है, लाइट चली गई, पता नहीं कब आएगी क्या आएगी। इस जगह को ना मुझे नहीं लग रहा मैं अभी इस दुनिया में हूँ, मुझे लग रहा है मैं किसी अलग दुनिया में अभी हूँ, क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है। और सेकंड मेन थिंग लाइट का मसला हो गया, क्योंकि हमें खाना बनाना है अभी, लाइट का अरेंजमेंट करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रात भर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। पहले मैं गाड़ी से सामान निकालता हूँ, गैस वगैरह। मुझे लग रहा है आज रात को मैं गाड़ी में ही सो जाऊंगा, बेहतर है। पहले गैस, ओके, बिस्मिल्लाह। क्या ठंड है यार आज, इसकी अहमियत मुझे पता लगेगी। ये देख लो, इसमें मेंटल लगाना है, ये हमारे काम आएगा। इसका मतलब जनरेटर को हम यहीं पर रहने देते हैं। बिस्मिल्लाह। भाई साहब, इसमें मुझे मेंटल लगाना था बट इसमें बहुत ज़्यादा लीक है, गाड़ी में ना पूरा ख़राब हो गया नीचे से, बहुत लीक है। आज सारा काम उल्टा हो रहा है। बिल्ली है कहीं से, आई वाज लाइक मैं कैंपिंग करूंगा लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने एलो बिल्कुल भी नहीं किया, बोला कि नहीं आप कैंपिंग नहीं कर सकते इधर। ये लो भाई साहब, इसमें तो लीक है, ये तो समस्या हो गया। शायद मेरे नसीब में आज उल्टा ही लिखा है सब, बहुत लीक है इसमें। लो भाई साहब, सारा सामान बिखरा हुआ, रात के बज गए हैं 7:45 और पूरा गैस की स्मेल आ रही है। ये तो बहुत रिस्की है, इसको मैं पूरा गैस अभी निकालूंगा पहले। भाई साहब स्टिल अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, 8 भी बज गए लेकिन लाइट नहीं आ रही है। आज तो ना खाना खाना है, ठंडा पानी, ऐसे ही सोना है, नींद तो नहीं आएगी क्योंकि ठंडा है सारा, लाइट के बगैर क्या कर सकते हैं। और खाने का बंदोबस्त कुछ भी नहीं, आज भूखा ही सोना है हमें, ऐसा समझिए। ठंड भी बहुत है। ये लीजिए भाई साहब, पूरा गैस निकाल दिया मैंने बिकॉज ऑफ सेफ्टी, आज तो ये काम नहीं आया बट हाँ अब तो कुछ गैस नहीं है इसमें। ऐसे लाइक ये सिर लगा के मैं इस पर खाना भी बनाऊंगा और ये रोशनी भी देगा, आज तो उल्टा हो गया सब। अभी लाइट भी आ गई है, ओए होए होए, चारों तरफ कोई भी नहीं है, बहुत कुछ सह लिया। अब लाइट 10 मिनट लेट ही सही लेकिन लाइट आ गई, अब हम गर्म करेंगे रूम अपना, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगा के है। और खाना मुझे नहीं लग रहा है इसका क्या सोल्यूशन है, गाड़ी बिल्कुल बाहर है, उसमें से थोड़ा और सामान निकालूंगा मैं। देखो भाई लोग, माहौल कैसा है,
इधर से मैं दिखाऊंगा। ये लाए थे मैंने, इसमें प्याज और आलू है इसमें। आज लग मैं यही बनाऊंगा आज, और राइस वगैरह हमने लिया था रास्ते में ही। एंड यहाँ से हमारा रूम इधर, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट चल रही है कि नहीं भाई, ये तो गर्म ही नहीं हो रही है, आज तो फंस गया हूँ यार। ब्लैंकेट गर्म नहीं हो रही है भाई, क्या मसले हैं आज। पहले खाने का बंदोबस्त मैं करूंगा बाहर, फिर बाद में नींद आएगी क्या होगा मुझे नहीं पता यार। साहब रात के बजे हैं 9 और ये है यूस्मक इधर से, और ये गाड़ी अचानक से यहाँ पे आ गई, समझो ये गाड़ी टपक गई। अल्लाह जो करता है ना बेहतर ही करता है। अभी भाई लोग आ गए, पता नहीं कहाँ से हैं, इन्होंने बोला हमें हमने आपको देखा था और हम आ गए, हम सारा सामान वगैरह लेके आ गए आज। तो भाई साहब यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है ना, कांटेक्ट करता है इंसान लेकिन किसको करेगा अभी। भाई साहब आपने तो बर्तन भी साथ लाए हैं, सब कुछ। एग्जैक्ट आप कहाँ से हो? एग्जैक्ट हम हैं फुटलीपुरा से। ओके तो तभी सोचा ना अपना भाई अकेले आता है, कंपनी देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। ये दो फुटलीपुरा से है और ये और मैं निलनाग। निलनाग, निलनाग का नाम भी सुना है मैंने आपको इंशाल्लाह। देखो लेकिन आज नहीं समझ इसमें क्योंकि लेकिन एक बात है ना, अल्लाह ना पहले ही करके रखता है, मुझे गैस भी नहीं चलेगा उधर है वो, और ये सब है ना लिखा हुआ होता है, नहीं तो आप क्यों लाते गैस इधर। जब से आपने बोला है ये वारिस भाई को कि मेरा प्लान था यूस्मार्क का, फिर उसके बाद तब से हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वो गाड़ी आ गई है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैचिंग कैसे हो रहा है, नहीं तो आप अकेले आ जाते, ये सब लाने की जरूरत नहीं थी, रात को इधर ही रहते हैं ना। आपने गैस भी लाया, खाना भी लाया, और मेरा उल्टा हो रहा है सब उधर है। शुक्रिया भाई शुक्रिया। आज हम अपने भाई के साथ खाएंगे पिएंगे। मैं तो बोल रहा था शायद आज भूखा रहना है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला ऊपर वाले देना देना आता है लेकिन सुलाता कभी नहीं, बस यकीन होना चाहिए ऊपर वाले। सही सही, बाकी हम मुसलमान है, ऊपर वाले पे यकीन है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हेलो भाई लोग, दूसरा गैस हमारा, रात के 9:30 पता नहीं टाइम कितना आ गया। हमारे एक्साइटमेंट की कोई हद ही नहीं है अभी, हम ये बोल रहे हैं कितनी बार शुक्रिया अदा करेंगे कि आज हमें नसीब हुआ। मैंने कल होटल वाले को फोन किया। अच्छा अच्छा, जब वो उमर भाई कॉल कर रहे थे ना, जब आपने उनको ये प्लान आपने कब बनाया? ये रिसेंटली, मतलब मैंने पखरपुरा में उमर भाई को देखा तो बस प्लान बन गया। मामू को कॉल की, मामू चलो बंदा आ रहा है हमारा भाई, चला। थैंक यू यार। भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आई वॉज लाइक अब मुझे भूखा सोना है एंड बट मुझे समझ नहीं आ रहा ये भाई लोग अभी लेट आ गए, देवर लाइक हम आपसे मिलने आ गए और मैं गैस संभाल रहा था। कोई भी बुरा वक्त आए मेरे लिए, कुछ भी हो जाए मेरे लिए, मैं सोचता हूँ अंदर से कि भाई अल्लाह ऊपर देख रहा है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो अचानक से ये भाई लोग आ गए, इनके पास गैस भी, चिकन भी लाया, सब कुछ लाया, मैं जानता भी नहीं, पहली बार। ऊपर वाले का करना होता है भाई। चलो भाई रात के 12 बजे अभी हम खाएंगे खाना, आप नहीं होते तो मुझे आज भूखा सोना था। 12 बजे ही सही, बट बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रुको रुको रुको, खा लो। ओह हो, अभी बज गए रात के 12:30 और ये है बाहर का मौसम।
हमारा डिनर हो गया अच्छे से। नसीब में क्या लिख के था, कोशिश किया था हमने कि यहाँ पे हम आज खाना बनाएंगे, लेकिन फिर आप सबने देखा क्या कुछ हो गया। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अभी जाके सो जाते हैं, पता नहीं नींद भी आएगी भी या नहीं, वो देखा जाएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्या कुछ हो जाएगा यूस मग में आगे, देखते रहें, दिल थाम के बैठिए। कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब आपका बहुत ज़रूरी है, और ये नज़ारा देखें आप पहले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। माइनस है अभी, I don't know, अब नींद आएगी, गर्म हो गया है क्या।